ऐसा न कोई मेरा रहनुमा हो, मेरा रहनुमा जिनके कारण है घर में। अपने हृदय से जब तक आप जाकर के दीक्षा ग्रहण नहीं करते तब तक आप उपासक उपासिका नहीं हो जाएंगे। आप कोई भी कार्यक्रम कर लीजिए, चाहे जो है अम्बेडकर जयंती मनाइए, बुद्ध जयंती मनाइए या फिर और कोई कार्यक्रम करिए, हर एक व्यक्ति आपका सहयोग देगा, आपकी मदद करेगा। लेकिन आप जब धर्म दीक्षा का कार्यक्रम करते हैं तब कोई आपका सहयोग नहीं देता। कई बार ऐसा होता है कि आपके परिवार के लोग भी आपका विरोध करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो शक्ति आपको मिलती है वो धर्म दीक्षा से ही मिलती है। जब आप धर्म दीक्षा ग्रहण करते हैं तब आप बौद्ध बनते हैं, जब आप बौद्ध बनते हैं तो बौद्ध बनने के बाद आपकी शक्ति वैश्विक शक्ति से जुड़ जाती है और आपका शारीरिक मानसिक आर्थिक राजनीतिक सारी चीजें सब इसमें समाहित है। आप अगर देखेंगे तो इस संसार में समाज में हर एक व्यक्ति तीन तरह की समस्याओं से पीड़ित है, जिसमें सबसे पहली उसकी समस्या है मानसिक समस्या, दूसरी उसकी समस्या है व्यक्ति के बच्चे से समस्या, और तीसरी उसकी समस्या है व्यक्ति की सामाजिक समस्या। और इन तीन समस्याओं में सारा मनुष्य समाज फंसा हुआ है, बंधा हुआ है। और अगर इनसे बाहर निकलना है तो हमें आपको बुद्ध की शरण स्वीकार करनी ही पड़ेगी। और जब बुद्ध की शरण में जाने वाला हर कोई व्यक्ति अपने मन को ठीक करने का प्रयास करता है। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि जो कुछ करता रहता है वो ऊपर वाला करता है, और ऐसी मानसिकता बहुत समय से चली आ रही है। लोग इस बात को मानते भी है और आप लोग आपस में भी कई बार बोल देते हैं कि जो कुछ होगा जो कुछ करेगा वो ऊपर वाला ही करेगा, और ऊपर वाले के चक्कर में हर एक व्यक्ति बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो जीवित है वो एक तो शरीर से जीवित है, दूसरा मन से जीवित है, और मन की भूमिका उसके शरीर में ज्यादा होता है। लेकिन मन की भूमिका ज्यादा होता है तो हम लोग अपने शरीर को ठीक ठीक भोजन देते हैं बलिष्ठ बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, लेकिन अपने मन को ताकतवर बनाने के लिए हम कोई उपाय मिलता है तो बुद्ध की शरण नहीं मिलता है, बुद्ध की शिक्षा नहीं मिलता है। इसलिए हम अगर अपना सभी तरह से विकास करना चाहते हैं तो सभी लोगों को बुद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, बौद्ध बनना चाहिए और अपने संस्कार में परिवर्तन लाना चाहिए। मैं यही बात और इस धर्म सभा में उपस्थित सभी महानुभावों उपासक उपासिका, मैं वीडियो साहब का बहुत भाई है, उनकी ज्वाइनिंग मैं अपनी मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूँ। बंधुओं, मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, यदि किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमें से कोई 100 साल नहीं रहने वाला है। अगर कोई हो सकता 100 साल बचे भी, लेकिन ये जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, ये बाबा साहब की प्रतिमा हो सकता 100 साल, हो सकता 200 साल, हो सकता 500 साल भी रहे। और ये बुद्ध विहार बना है, ये बुद्ध विहार भी ये 200 साल 300 साल में अपने घर छोटे छोटे बना रखे हैं। मैं कंबोडिया में भंडे जी से पूछा, हमारे जो मित्र थे जिनके साथ में गया था, मैंने उनसे पूछा कि आपने आपके जो विहार आपके घरों की कीमत यदि 1 करोड़ है तो आपके बुद्ध विहारों की कीमत 500 करोड़ है। हमने कहा यदि आपके घरों की कीमत 1 करोड़ है तो आपके विद्यालयों की कीमत 1000 करोड़ है, ऐसा क्यों है? तो भंडे जी ने हमें ये बताया, कहा कि विद्यालयों से हमारी पीढ़ियां आगे जाएंगी और विद्यालयों से हमारी संस्कृति जीवित रहेगी, इसलिए हम लोग अधिक पैसा विद्यालयों और विद्यालयों में खर्च करते हैं। हमारे देश में उल्टा होता है,
और ऐसा भी नहीं कि हमारे लोगों के पास संसाधन नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सक्षम हैं, और हम उनसे नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे हमारे लोग बहुत सारे सक्षम लोग बैठे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप 70% पैसा को दिव्या पे खर्च करें, लेकिन हम आपसे जरूर कहेंगे यदि आपके पास 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ का आपको लगता कि आपको घर बनाना है तो मेरी बात मानिए, आप 1 करोड़ का घर मत बनाइए। घर आपको मात्र ठंडी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए चाहिए, यानी सुरक्षा के लिए चाहिए। यदि आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप 20 लाख का घर बनाइए और 80 लाख का कोई बिजनेस करते हैं, किसी व्यवसाय में लगा दीजिए। यदि आपके पास 5 करोड़ है तो आप 1 करोड़ का घर बनाइए और 4 करोड़ का विद्यालय बनाइए। विद्यालयों से क्या होगा, आपका बिजनेस सेटअप से क्या होगा, आप जानते हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही है, आप जानते हैं कि देश का निजीकरण हो रहा है, लगभग सब चीजों का निजीकरण हो गया है, आने वाले समय समाज में बहुत संकट का समय है, तो अपने संसाधनों को आप व्यवसाय के क्षेत्र में ले जाए। और गुजरात को हमें इसलिए भी चाहिए कि बुद्धिहारों से हमारी संस्कृति जीवित रहती है। हर धर्म के 2 पक्ष होते हैं, बौद्ध धर्म के भी 2 पक्ष हैं, एक उसका धार्मिक पक्ष है, दूसरा उसका सांस्कृतिक पक्ष है। धर्म में शीर समाधि प्रज्ञा आदि आती है, लेकिन सांस्कृतिक पक्ष में ये हमारे घर का स्ट्रक्चर कैसा हो, हमारे बुद्धिहार का स्ट्रक्चर कैसा हो, हमारा पहनावा कैसा हो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप छोटा सा बुद्धिहार बनाइए अपने गांव में, लेकिन जरूर बनाइए, और यदि ऐसे बुद्धिहार बनने लगेंगे तो निश्चित तौर पर जब वो संस्कृति की वापसी होने लगेगी तो बुद्ध धर्म की वापसी होने लगेगी, जब बुद्ध धर्म की वापसी होने लगेगी तो हम फिर बुद्धमय भारत में सांस लेंगे, और बुद्धमय भारत का मतलब आप समझते हैं, हमारे साथ समता का व्यवहार होगा, हमारे साथ स्वतंत्रता का व्यवहार होगा, हमारे साथ न्याय का। अगर आप 22% लोग ही अपने को बदल लेते हैं तो ब्राह्मण 22% कम हो जाएगा, अगर 22% कम हो जाएगा फिर अत्याचार नहीं करा पाएगा, फिर हमारे बच्चे नहीं मारे जाएंगे, हमारी महिलाओं के साथ अनाथ नहीं होगा, हमारे लोगों के और इस परिवार को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, मैं मंगल कामना करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन्यवाद। कभी आप सब लोगों ने परम पूज्य भगवंत चंद्रमा जी के देशना और दिशा निर्देश दोनों को सुना। सचमुच बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह आवाहन या आदेश हमको दिया था कि जो सक्षम लोग हैं वो अपने गांव में बुद्ध विहार अवश्य अम्बेडकर के उसी दिशा निर्देश के अनुक्रम में उसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए आपने इस बुद्ध विहार का निर्माण कराकर इस समाज को समर्पित किया, और इस बुद्ध विहार से जो संदेश पूरे भारत में जाएगा, आज जो पूरे लोग यहां बैठकर जो संदेश दे रहे हैं, हमें लगता है कि तमाम साथी भी प्रेरित होंगे, और इस तरह के बुद्ध विहार निर्माण का कार्य बड़ी तेजी में, जैसा महाराष्ट्र में पूज्य भगवंत जी ने कहा कि महाराष्ट्र के हर गांव में बुद्ध विहार बना, अगर महाराष्ट्र के हर गांव में बुद्ध विहार बना है तो जिस उत्तर प्रदेश को बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की प्रयोगशाला कही जाती है, जिसमें बुद्ध विहार वाराणसी जनपद में भी, चंदौली में कई बुद्ध विहार बड़ी तेजी में लोगों ने बनाया है, उसमें और गति और तीव्रता आएगी, और वर्तमान तरीके से हम बुद्ध विहार निर्माण का कार्य पूर्ण करेंगे। साथियों, हमारे बीच गांव की एक सूची है जिन्हें कंबल वितरण किया जाना है, देवी जी आ जाए। ननकुराम
मोनू प्रभावती कृपया आ जाए। हरिराम जी साधु, हरिराम जी उर्फ साधु, धीरज राम जी अगर ये आवाज सुन रहे तो आप लोग जल्दी आ जाएं, थोड़ी जल्दी हो जाएगा, लिस्ट लंबी है। देवी जी आदरणीय रामकली देवी, दुर्गा राम अवतार, दुर्गा राम अवतार जी आ जाएं। ये इस परिवार के लोगों ने आप सबके सम्मान में यह अंग वस्त्रम दिया है।